22 अप्रैल मंडे 2024 नौवा बैसाख माह चल रहा है। फिर से अंडा दो कंप्लीट कर दिया, दो अंडा हटा के मुर्गी का अंडा दे दिया। और ये जो दो बच्चे पहले भी बताया था, इनमें से भी ये बच्चा दिया था एक बच्चा लड़का को पालने के लिए, पर वो रख नहीं पाया, वापस देके गया तो लंगड़ाना स्टार्ट किया। और भी बच्चा कुछ लेके गया था पालने के लिए पर नहीं पाल पाया तो वापस दे गया, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। तो ये मादी का नीचे फिर से मुर्गी का अंडा दे दिया। और ये जो बच्चे हैं इसके नीचे, ये पांचवी लॉट का जो मुर्गी का बच्चा इसका नीचे का वो है, ये दोनों तो उसको दिया था। देखिए साइज में थोड़ा छोटा भी हो गया। इसके नीचे दो अंडा फिर से चाल दिया। ये सबके सब उड़े हुए हैं तो अभी धाड़ी में है, बहुत दिन से बच्चा भी उठाया था कुछ। और लास्ट में बहुत जल्दी में, मतलब मान के चीरे इतना जल्दी बच्चा उठा इस कारण से क्योंकि अंडा चेंज करते रहते हैं। मुर्गी का नीचे रहता है तो फिर कबूतर का नीचे, और कबूतर का नीचे से मुर्गी का नीचे कुछ प्रॉब्लम होने से ऐसी करके चेंज करके अंडा देते रहते हैं। पर इस बार जो अंडा है थोड़ा लेट बच्चा निकलेगा क्योंकि चेंज नहीं कर पाए। जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा कोई मुर्गी का नीचे अंडा है, ठीक है, तो मुर्गी हटा के उसका बाद क्या करते हैं कि मुर्गी 10-12 दिन अंडे के ऊपर है तो कुछ प्रॉब्लम होने से मुर्गी को हटा के वो अंडा भी कभी कभी कबूतर का नीचे चाल दिया। ऐसे होता है, मतलब मान के चलिए कि दूसरा कबूतर का नीचे अंडा है तो अंडा मतलब उसका बच्चा उठाने का जब इरादा है तब वो अंडा हटा दिया, मुर्गी का अंडा हटा दिया तो जो कबूतर है फिर से अंडा देना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि नीचे मान लीजिए कि इसका नीचे दो मुर्गी का अंडा है, ठीक है, कुछ दिन के लिए बैठा दिया। अब खुड्डे साफ करने का बाद उसका बाद फिर से क्या किया कि मुर्गी का अंडा हटा दिया, हटा के मान लीजिए कि इसका नीचे दे दिया, ठीक है, तो मान के चलिए कि एक हफ्ता उसका नीचे अंडा था, ठीक है, मुर्गी का अंडा उसका नीचे एक हफ्ता था तो इसका नीचे दे दिया तो बच्चा क्या है कि इससे जल्दी निकल जाता है। इसका अंडा हटा दिया, बाहर रखा हुआ था अंडा दूसरा कबूतर का नीचे, मगर वो कबूतर अंडा छोड़ दिया। ऐसे भी बहुत जल्दी बच्चा उठा लेते हैं लोग, मुर्गी का बच्चा, और तुरंत बैठा देते हैं, और मतलब चेंज करके थोड़ा बैठा देते हैं। कोई कबूतर का नीचे एक्स्ट्रा अंडा दे देते तो उसको चेंज करके फिर इधर उधर कर देते, मतलब मान के चलिए कि तुरंत बैठा देते, ठीक है, अंडा दे और बैठ जाता, जल्दी बैठ जाता बच्चा, जल्दी उठा लेता। इसीलिए एक एक हर जो लॉट में बच्चा जो है ज़्यादा गैपिंग नहीं है और बहुत जल्दी बच्चा उठा लिया। जैसे कि ये बच्चा पांचवी लॉट का बच्चा है और ये बच्चा जो होगा तो इसके नीचे 6 लॉट का सबसे ज़्यादा बच्चा उठाया जो कपड़ा पियर है वो शायद इस बार जो बच्चा उठाएगा अगर तो शायद वो 6 से 7 7वीं लॉट का बच्चा निकलेगा उसका नीचे। ऐसे ही मतलब थोड़ा चेंज कर देते, कोई प्रॉब्लम होने से इधर उधर कर देते तो मतलब मान के चलिए कि इसके नीचे जो अंडा अभी जो दिया ये तो एकदम नया अंडा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा इधर उधर 3-4 अंडा एक साथ दे दिया कि मुर्गी का नीचे अंडा कुछ दिन था वो अंडा कबूतर का नीचे दे देते हैं। मतलब मान के चलिए कि मुर्गी या कोई भी चीज कबूतर वगैरह एक हफ्ता 10 दिन वो अंडा को सेका है उसका बाद दूसरा कबूतर का नीचे दे दिया तो बच्चा जल्दी निकल जाता है इसी कारण से। क्योंकि मान के चलिए कि इसका बच्चा उठाना है तो अंडा हटा देते मुर्गी का अंडा, दूसरा कबूतर का नीचे दे देते तो ये फिर से अंडा देना स्टार्ट, और दूसरा कबूतर का नीचे जो अंडा देते हैं मुर्गी का अंडा वो बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए जो एक एक लॉट है ज़्यादा गैप नहीं रहता है, बहुत जल्दी बच्चा उठा लेता है लोग, ठीक है। तो आज का डेट तो पहले ही बता दिया तो इतना ही कहना था और दिखाना था, ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं है, 3 मादी दिखाना है, बाद में दिखाएंगे, ठीक है। अभी वो लोग ब्रीडिंग पे है, अंडा देने वाली है, सुधरी पियर भी अंडा देने वाली है, और
कल्दुमा एक है और एक ललजीरा, वो भी उसको जोड़ा लगा दिया, मगर छोटा छोटा बॉक्स में रखने से नॉर जो ये है आपका वो मारने लग रहा, मादी को परेशान कर रहा, मगर पिंजरे में जब रख रहे तो ठीक से रह जा रहा। तो नर का कंडीशन कुछ ऐसा है कि नर का आदत ऐसा हो गया पिंजरे में ठीक रह रहा, पर छोटे बक्से में जब भी रख रहे तो मादी को पीटने लग रहा, तो पिंजरे से हटाने नहीं सक रहे। फिलहाल जोड़ा तो लग चुका है और भूत मादी इसका अंदर लाल गले मदी भी अंडा दे दिया, पर उसका भी केस वही है कि मुर्गी अंडा पहले दिया था, फिर मुर्गी का अंडा मान के चलिए 4-5 दिन बाद चेंज कर दिया। तो ऐसे ही करके चेंज कभी कवर कर देते हैं, दूसरा कबूतर का नीचे दे देते हैं, तो बच्चा जल्दी निकल जाता है। ऊपर से लाल गले मदी फिर से अंडा दे दिया, उसी का अंडा रखा हुआ है फिलहाल। इधर में भूत मादी को देख लीजिए, बाहर से अंदर में रखा है क्योंकि ये 3-4 दफा बिल्ली से बहुत जोर बच चुका है लास्ट वाला दिन, उसका बाद इसको बाहर नहीं छोड़ा। और एक साथ अभी फिलहाल इसमें 4 कबूतर है। तो ये देखिए जीरे और ललक्खा मादी यहाँ पर तो ठीक है, पर इस बक्से में जब भी रख रहे तो नर मादी को पीटने लग रहा। इसका नीचे भी 5-6 दफा होगा शायद लास्ट वाला, मुर्गी का बच्चा जो सेल आउट हो गया उसका बाद अंडा अभी तक दिया नहीं, देने वाली है। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, और लाल गले मदी को भी सुधरी मादी को भूत मादी को फिर से लास्ट में पकड़ के दिखाएंगे कि इस कबूतर का इस तरह का कबूतर इतना फिलहाल मेरे पास उड़ा हुआ है और किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का शक्ल सूरत है होना चाहिए, हो सकता है वही बाद में दिखाएंगे।